नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बिहार से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। बिहार के गोपालगंज में महावीरी अखाड़ा के जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थरबाजी हुई। दो गुटों के बीच झड़प एक मस्जिद के पास हुई। इस बीच एक पुलिस ऑफिसर के धार्मिक नारेबाजी का वीडियो भी वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि यह वीडियो दोनों गुटों के बीच झड़प के बाद का है। पुलिस ने कुछ देर में हालात को कंट्रोल कर दिया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बड़ी अजीब स्थिति है। पुलिस के अधिकारी हैं, अपना नाम, अपना थाना सब कुछ बता रहे हैं, इसके बावजूद जय श्री राम के, जय बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं। ये बातें कि आप शांतिपूर्ण जुलूस निकालिएगा, ये बात इन नारों के बिना भी लगाए जा सकते थे। ये चेतावनी या ये समझाइश इसके बिना भी हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अफसर ये नारे लगा रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं होती। हमारे साथ नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या हो रहा है? पुलिस वाले जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, अब धार्मिक नारों की आवश्यकता क्या है? देखिए, जो जानकारी मिली है कि जब गोपालगंज में जब जुलूस जा रहा था और मस्जिद के सामने से जब पथराव हुआ, वहाँ पर स्थिति बिगड़ने लगी। उसके बाद वहाँ जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे। शुरू में पुलिसकर्मियों की तैनाती काफ़ी कम थी वहाँ पर, और जब पुलिस के बड़े अधिकारी वहाँ पहुँचे, SDPO पहुँचे, तो उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रशासनिक रणनीति के तहत ही इसका इस्तेमाल किया है। कोई उस जुलूस का वो हिस्सा नहीं बन गए थे, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया कि हम भीड़ को किस तरह अपनी तरफ खींचें और यहाँ से किसी तरह जुलूस को निकाल ले जाएं। तो इस तरह की एक रणनीति आप कह सकते हैं कि SDPO ने अपनाई, और उसका असर भी हुआ कि भीड़ जो वहाँ पर काफी उग्र थी वो आगे की तरफ। क्या हो रहा था कि ये रणनीति अपनानी पड़ी पुलिस को? देखिए, जब जुलूस जा रहा था तो उस समय वहाँ पर काफ़ी कम पुलिसकर्मी थे। एक दिन पहले, एक रात पहले ये हुआ था कि एक दूसरे जुलूस को जो इसी का हिस्सा था उसमें कुछ DJ का इस्तेमाल हुआ था, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो जुलूस में जो लोग चल रहे थे वो नाराज़ थे। दो पुलिसकर्मी, काफ़ी कम संख्या में पुलिसकर्मी थे वहाँ पर, और उनको देखकर भीड़ जो है कहा जा रहा है कि चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। भीड़ मस्जिद की तरफ जब आगे बढ़ी, उसी बीच जब भीड़ को आगे बढ़ते देखा वहाँ मस्जिद के पास खड़े लोगों ने, उनको लगा कि शायद वो मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं, उन पर कुछ हमला कर सकते हैं, और उसके बाद मस्जिद की छत से पथराव होने लगा। और जब पथराव होने लगा तो स्थिति बिगड़ने लगी, दोनों तरफ से पथराव होने लगे, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने लोग आ गए। और उसके बाद जब अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली, वो वहाँ पर पहुँचे। लगातार उन्होंने कहा कि आप यहाँ से किसी तरह आगे बढ़ें, लेकिन जो भीड़ थी वो मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद SDPO ने माइक पकड़ा और उन्होंने खुद ही जय श्री राम के धार्मिक नारे लगाए और भीड़ को एक तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश की कि यहाँ से हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते गए, माइक से बोलते गए। भीड़ तब आगे बढ़ती गई, भीड़ को भी लगा कि अधिकारी जो हैं उनके साथ हैं। तो आप इसको एक
प्रशासनिक रणनीति के तौर पर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले से भीड़ में चले आ रहे थे या इस नारे की वजह से कोई दूसरा पक्ष नाराज हो गया। पहले हंगामा हुआ, पहले मस्जिद से पत्थर, हंगामा क्यों हुआ? हंगामे की एक और तस्वीर दर्शकों के सामने रख देते हैं नीतीश। गोपालगंज में महावीर अखाड़े के जुलूस में बवाल हुआ तो गुजरात के वडोदरा में ईद मिलाद के मौके पर भड़काऊ नारों ने बवाल खड़ा किया। डीजे पर वडोदरा सिटी के अंदर सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। भीड़ ने जमकर नारेबाजी की, हाथों में तलवार लिए भीड़ नारेबाजी करती रही, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है। 3 FIR के सरिया व 24 आरोपियों को शिकंजे में लाया गया है। वीडियो फुटेज की जांच के आधार पर दबिश भी दी जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। साजिश के एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है। शहर के बीचों बीच मुस्लिम इलाके में भड़काऊ नारे लगाए गए, जिसके बाद सोशल मीडिया नारेबाजी के अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके की धार्मिक उन्माद भड़क रहे हैं, लोग भड़क रहे हैं, दो समुदायों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश, इसे ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए। ईद मिलाद का जुलूस है, प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये जुलूस निकाला जाता है, एक सेलिब्रेशन का दिन है, और उस दिन इस तरीके के नारे लगाना, सिर तन से जुदा की बात करना और डीजे पर इसे बजाना, इन स्लोगन्स का आखिर क्या मतलब है? वडोदरा के रिहायशी इलाकों में ये नारेबाजी की गई, हाथ में तलवार लिए भीड़ बहुत देर तक नारे लगाते रही। इंडिया टीवी की टीम वडोदरा के उसी इलाके में मौजूद है। निर्णय कपूर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जो दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्शनेबल जो ऑडियो है वो बज रहा है डीजे का जुलूस के दौरान, वो वडोदरा के इसी सिटी पुलिस स्टेशन इलाके के हैं। एक वीडियो इस पानी गेट वाली रोड का है और एक वीडियो जो है वो इसके बगल वाली रोड का, और दोनों वीडियोस जो हैं उनके जो डीजे ऑपरेट कर रहे थे उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एक वीडियो के मामले में तो केस भी दर्ज कर लिया गया है, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जो सर तन से जुदा वाला वीडियो था, और जो देश का बच्चा बच्चा वाला वीडियो था जो कि बगल वाली रोड पे बज रहा था, उसके भी डीजे को अब आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आयोजक की भी पहचान कर ली गई है, और जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई वडोदरा पुलिस की जाएगी। उस वक्त आपको बता दें कि ये इस पूरे इलाके में जो ये दरवाजों के बीच का जो इलाका है वडोदरा का, पूरे इलाके में जो ये जुलूस हैं वो निकल रहे थे और एक साथ कई डीजे बज रहे थे, इसलिए ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर कौन से डीजे से ये वायलेट किया जा रहा है नॉर्म्स को। इसलिए पुलिस उस वक्त इन चीज़ों को ढूंढने में लगी हुई थी, क्योंकि आपको बता दें कि आसपास कई स्टेज बने हुए थे, वहाँ से भी म्यूज़िक चल रहा था, लेकिन जब ये जुलूस शांत हुए पुलिस ने कार्रवाई की, और अब इन दोनों मामलों में एक में फरियाद दर्ज हो चुकी है और दूसरी में भी कुछ समय में फरियाद दर्ज करके पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। और आपको बता दें कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का कम्युनल जो माहौल है उसको इन्फ्लेट करने की जो धाराएं हैं वो इन लोगों पे लगाई गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।